आज के इस वीडियो में जानेंगे कि 2022 में पैन कार्ड बनाने की क्या तरीका है, 2022 में आप किस तरह पैन कार्ड बना सकते हैं, जो पैन कार्ड पे आपका फोटो भी रहेगा, आपका सिग्नेचर भी रहेगा, सारा चीज आपका पैन कार्ड एक रियल पैन कार्ड ओरिजिनल पैन कार्ड के जैसा आने वाला है, बनने वाला आपका पैन कार्ड जिसपे आपका सिग्नेचर भी रहेगा और आपका फोटो भी रहेगा। जो फोटो आप अपलोड कीजिएगा, जो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा, वही फोटो सिग्नेचर आपको आपके पैन कार्ड पे आएगा। तो इसके लिए कोई भी आईडी का जरूरत नहीं है किसी भी तरह का, तो आप ऑनलाइन अपना पैन कार्ड 2022 में न्यू पैन कार्ड बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताने की कोशिश किया हूँ कि 2022 में न्यू पैन कार्ड आप किस तरह बना सकते हैं अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके। मात्र 107 रुपये में आपका पैन कार्ड अभी बन के रेडी होने वाला है। ये वीडियो कम्प्लीट देखिएगा शुरू से अंत तक और एक एक स्टेप को आप फॉलो करते जाइएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए किस तरह नया पैन कार्ड 2022 में अप्लाई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उसके लिए आपको ब्राउजर में जो भी ब्राउजर यूज करते हैं, क्रोम वगैरह, मोज़िला, जो भी यूज करते हैं उसके ब्राउजर में आपको लिखना होगा NHDL पेन। NHDL पैन कार्ड भी आप लिख सकते हैं। NHDL पैन कार्ड आप जैसे लिखेंगे तो आपके सामने पहली ऑप्शन आ जाएगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NHDL। आप NHDL पैन कार्ड लिख कर सर्च करेंगे तो पहला ऑप्शन आपको आ जाएगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NHDL। इस पर आपको क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है सेक्शन 272B के तहत 10,000 तक का पेनल्टी लग सकता है अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हो। यानी कि यहाँ पे इनकम टैक्स का रूल है कि एक पर्सन एक ही पैन कार्ड रख सकता है। अगर आपने किसी भी मिस्टेक से या किसी भी कारण से दो पैन कार्ड बना लिया है तो अगर पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपये तक का पेनल्टी और आपको सजा भी हो सकती है। इसलिए एक पर्सन एक आदमी एक ही पैन कार्ड बनाए, अगर कुछ गलती होती है उस पैन कार्ड को सुधार करा ले, लेकिन एक आदमी एक ही पैन कार्ड बनाए, एक से ज्यादा पैन कार्ड बनाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 का पेनल्टी आपको फाइन देना पड़ सकता है। इसलिए एक आदमी एक ही नया पैन कार्ड बनाए, कुछ गलती है तो उसे आप सुधार करेंगे। सुधार करने का वीडियो मैंने आपको पहले ही दिया हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम न्यू पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आएंगे, ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ एप्लीकेंट टाइप पे क्लिक करेंगे, जैसे आप एप्लीकेंट टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली सा न्यू पैन कार्ड इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A, न्यू पैन कार्ड इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला आपको इंडिविजुअल मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की डिटेल डालेंगे जिसकी पैन कार्ड बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले श्री डालेंगे, मतलब टाइटल डालेंगे जिसका पैन कार्ड बनाना है, श्री है, श्रीमती, कुमारी है। अगर किसी जेंट्स का बनाना है तो श्री डालेंगे, अगर किसी लेडीज का बना रहे हैं मैरिड है तो श्रीमती, अगर किसी लड़की का बना रहे जो मैरिज नहीं है अनमैरिड है तो आप कुमारी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिसका पैन कार्ड बना उनका लास्ट नेम आपको यहाँ पे डालना होगा और उनका फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना होगा, उनका मिडिल नेम यहाँ पे डालना होगा। यानी कि पहले आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डालना होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरा नाम मोहम्मद जीशान आरिफ है तो मोहम्मद जो के वो मेरा फर्स्ट नेम हो गया, जीशान जो के वो मेरा मिडिल नेम हो गया और आरिफ जो के लास्ट नेम मोहम्मद जीशान आरिफ। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम हो फर्स्ट नेम यहाँ पे डालेंगे और मिडिल नेम इसमें और इस पहले वाले में लास्ट नेम। अगर किसी के नाम में सिर्फ एक नाम है, जैसे कि किसी के नाम सिंटू कुमार है तो आपको फर्स्ट नेम में सिंटू डालना है और लास्ट नेम में कुमार डालना है, मिडिल नेम को खाली छोड़ना है। अगर किसी का नाम में दो ही नाम है, फर्स्ट नेम है तो आप फर्स्ट नेम डालेंगे और मिडिल नेम डालेंगे। अगर जिनके नाम में तीन नाम है तो आप फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। किसी किसी के नाम में सिर्फ एक ही नाम है, जैसे कि सिंटू तो सिर्फ सिंटू है, ना कुमार है ना यादव है, कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंटू है, तो उसकी इस केस में आप ना फर्स्ट नेम ना डालेंगे ना मिडिल नेम डालेंगे, आप लास्ट नेम डालेंगे, ठीक है। जिसके नाम में सिर्फ एक नाम हो, सिर्फ सिंटू हो, तो आप यहाँ पे लास्ट नेम फिलअप करें। अगर सिंटू कुमार हो तो फर्स्ट नेम सिंटू हो जाएगा, कुमार लास्ट नेम हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई किसी के नाम में तीन नाम है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उम्मीद करेंगे ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, याद रखिए कि आप जो नाम डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ ये आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। जब तक ये मैच नहीं होगा तब तक आपका पैन कार्ड नहीं होगा। तो आप नाम जो है और डेट ऑफ बर्थ जो वो अपने आधार कार्ड के अनुसार डालें। तो नाम डाल चुके, उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर पर क्लिक करेंगे डेट ऑफ बर्थ। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना, सबसे पहले यहाँ पे आपका ईयर सेलेक्ट करना, जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे,
उसका जो भी डे है डे सेलेक्ट करेंगे। इस तरह आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालेंगे, कस्टमर का कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अगर ईमेल आईडी कस्टमर के पास नहीं है तो कोई भी ईमेल आईडी आप यूज कर सकते हैं। एक ईमेल को कई बार आप यूज कर सकते हैं कई पैन कार्ड अप्लीकेशन में, एनएचडीएल में, यूटीआई में नहीं कर सकते लेकिन एनएचडीएल में यूज कर सकते। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर वही मोबाइल नंबर डालेंगे, क्योंकि यहाँ से जब अगर आप पैन कार्ड बनाएंगे तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना अनिवार्य है, अन्यथा आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। अगर लिंक है आधार कार्ड से मोबाइल तब आगे का प्रक्रिया करिए, नहीं तो आप यहीं पे वीडियो को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर दिखने को मिले कैप्चर को यहाँ फिलअप करेंगे। कैप्चर डाल चुके हैं, कैप्चर डालने के बाद सबमिट बटन भी क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस टोकन नंबर को आप नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म जो वो ओपन हो जाएंगे। फॉर्म की कुछ इस तरह ओपन होंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलता है। पहला तो सबमिट डिजिटल थ्रू ई केवाईसी, यानी कि अगर पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं तो आपका पैन कार्ड में जो फोटो है वो आपका आधार कार्ड वाला आएगा और सिग्नेचर के जगह पे व्हाइट पट्टी, उजला पट्टी आ जाएगा। पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो फोटो होगा पैन कार्ड पे वो आधार कार्ड वाला आएगा और सिग्नेचर के जगह पे उजला पट्टी, व्हाइट पट्टी आ जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको फोटो जो जो फोटो आप अपलोड कीजिएगा वो आएगा और जो सिग्नेचर आप अपलोड कीजिएगा वही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें फोटो भी अपलोड करना है खुद और सिग्नेचर भी अपलोड करना है। जो फोटो जो सिग्नेचर हमें पैन कार्ड पे चाहिए वो खुद मनपसंद देना है, उसके लिए हमको दो नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये प्रक्रिया करने के बाद जो हार्ड कॉपी निकलता है उसको बाय पोस्ट एनएचडीएल के ऑफिस भेजना होता है। लेकिन ये कब तब आपके लिए होगा जब आप पैन कार्ड बना रहे 18 साल से कम वाले का, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर 18 साल से ऊपर वाले किसी का बना रहे हैं तो अभी ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट वाले सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें फोटो सिग्नेचर अपलोड करके मनपसंद फोटो सिग्नेचर अपने पैन कार्ड पे चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको कौन सा पैन कार्ड चाहिए। यहाँ पे यस जो डिफॉल्ट सेट रहता है, यानी कि यस माने हो गया। यहाँ पे जो कह रहा है कि यस अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपका पैन कार्ड जो आपके मेल आईडी पे भी आएगा और बाय पोस्ट आपके घर पे भी एड्रेस पे भी आएगा। अगर आप यहाँ पे यो नो सेलेक्ट कर देते हैं तो आपका जो पैन कार्ड वो आपके सिर्फ मेल पे आएगा, बाय पोस्ट आपके घर पे नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको घर पे चाहिए और मेल पे चाहिए दोनों पे चाहिए तो आप यस सेलेक्ट करेंगे। अगर सिर्फ आपको मेल पे ही चाहिए तो आप नो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको 107 रुपये यहाँ पे कटेगा। अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो आपको 72 रुपये यहाँ पे चार्ज कटने वाला है, ठीक है। तो यस करेंगे तो आपके घर पे भी और मेल पे दोनों आ जाएंगे, नो करेंगे सिर्फ आपके मेल पे आएंगे। यहाँ पे यस हम कहिए। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इंटर आधार लास्ट 4 डिजिट। आधार कार्ड जो है कस्टमर का, उनके आधार कार्ड का जो नंबर है अंतिम का 4 अक्षर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा, ठीक है। जो भी इनके अंतिम का 4 अक्षर है वो हम यहाँ पे डाल चुके हैं। आधार कार्ड का अंतिम का 4 अक्षर हम यहाँ पे डाल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे नेम एस पर आधार, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि उनके आधार कार्ड पे कौन सा नाम है तो वो नाम आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। नाम डालने के बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे वही नाम आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते दिया था, वो नाम आ जाएगा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है जेंडर, जेंडर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वो खाली छोड़ेंगे, इसको नो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर से डिटेल देनी हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपको नो रखना है, ठीक है, ऑटोमेटिक नो है लेकिन यहाँ पे भी आपको नो ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, फादर्स नेम का फर्स्ट नेम या फादर्स का फर्स्ट नेम इसमें डालेंगे, मिडिल नेम इसमें डालेंगे और लास्ट नेम इसमें डालेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर मदर का नाम देना चाहे तो दे सकते, नहीं तो मदर का नाम खाली छोड़ सकते, लेकिन फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम देना जरूरी है। और मदर का नाम देना चाहे तो दे सकते, नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकते, खाली भी छोड़ सकते। उसके बाद कह रहा है पैन कार्ड पे आपके फादर का नाम चाहिए आपको या मदर का नाम चाहिए। अगर आप दोनों कॉलम फिलअप करते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, तो पैन कार्ड पर आपको फादर का नाम चाहिए या मदर का चाहिए, जिसका चाहिए आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सजेशन करेंगे फादर का ही नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जब हम फॉर्म भर रहे थे तो हमें यहाँ पे एक पॉपअप दे दिया, यानी कि कह रहा है कि आप जो डाटा अभी फिलअप किए वो सभी डाटा को सेव कर लीजिए, टाइम आउट हो जाएगा। अगर टाइम आउट हो जाएगा तो जो भी डाटा आपने फिलअप किया वो सबको फिर से फिलअप करना होगा। इसलिए आप सबसे ऊपर जाएंगे, अपने डाटा को सेव करेंगे, ठीक है। जो अभी हमने फिलअप किया यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, जो हमने सेव किया वो सेव हो जाएगा ताकि हम ये टाइम आउट भी हो जाए, सेशन एक्सपायर भी हो जाए, फिर से हम लॉग इन करके यहाँ पे इसको जो उसी डाटा को यूज कर सकते, फिर से हमें फिलअप नहीं करना होगा।
ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ भी टोटल आपको 5 स्टेप से गुजरना होगा। जैसे कि पहला गाइडलाइन, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा पर्सनल डिटेल, ये भी कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा हमें कॉन्टेक्ट डिटेल को कंप्लीट करना है, जिसके लिए यहाँ भी कह रहा है सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में आपको क्या करना है, सिंपली से नो इनकम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नो इनकम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपका पैन कार्ड जो आपके पता पे चाहिए, यानी कि रेसिडेंट एड्रेस पे, तो या कोई ऑफिस या कोई कार्यालय वहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको रेसिडेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप ऑफिस सेलेक्ट करते हो तो आपको अदर डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड के अलावा भी ऑफिस का प्रूफ वगैरह देना पड़ सकता है, इसलिए आप यहाँ पे रेसिडेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डालेंगे जो आपके आधार कार्ड में होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ही सन ऑफ करके या वाइफ ऑफ करके, डॉटर ऑफ करके उनके फादर या पति या पिता का नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ विलेज डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे जो भी। उसके बाद यहाँ पे अपने ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री यहाँ पे डालेंगे, जो भी कंट्री हो, जैसे कि इंडिया है तो हम इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसको इंडिया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना बिहार सेलेक्ट, जो भी स्टेट आपका वो सिलेक्ट करते हैं, हम स्टेट बिहार सेलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे जिप कोड को खाली छोड़ेंगे। उसके बाद अगर आप ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ नीचे में आपको ऑफिस एड्रेस डालना होगा। हमने यहाँ क्या क्या रेसिडेंट सेलेक्ट किया, इसलिए यहाँ पे रेसिडेंट एड्रेस को हम फिलअप करेंगे और ऑफिस एड्रेस को खाली छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल में यहाँ पे कंट्री भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कंट्री भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरिया कोड को आप खाली छोड़ेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। आप चौथा स्टेप डालेंगे एओ कोड। एओ कोड अगर आपको पता है, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, पिट और एओ नंबर, तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, इंडियन सिटीजन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको आपका जो जिला है वो जिला सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका जिला यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने नजदीकी जिला डालना है। जैसे कि मेरा जिला यहाँ पे नहीं आ रहा है, मेरा मधेपुरा है, तो मधेपुरा नहीं आ रहा, तो मेरे बगल में सहरसा जिला, तो हम सहरसा जिला को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे सहरसा करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है नजदीकी, आपको भी जिला सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका जिला यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में देखेंगे ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे चौथा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब पांचवा हमको डॉक्यूमेंट डिटेल कंप्लीट करना है, जिसके लिए यहाँ पे कह रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या देना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड डाल रहे, आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या दे रहे हैं, तो हम प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड को ही दे रहे हैं, आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ डीओबी में क्या दे रहे, तो हम इसमें भी आधार कार्ड ही दे रहे हैं, तो हम इसमें आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि तीनों में आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डाटा फिर से सेव करने बोल रहा है, तो हम फिर से डाटा सेव कर लेते हैं। चलिए डाटा सेव हो गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करें सबसे ऊपर आपको हिम सेल्फ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे प्लेज यानी कि स्थान डालना हो, जो भी स्थान है यहाँ पे अपना जिला का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए हम अपने जिला का नाम डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी होगी, जिसकी केबी 50 KB से कम होनी चाहिए, जिसके लिए यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, फोटो की साइज 50 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे फोटो जो वो अपलोड हो चुका है, जो कि आप देख पा रहे हैं। अगर डिलीट करना चाहिए यहाँ पे क्लियर करेंगे, फोटो डिलीट हो जाएगा, फिर से आप नया फोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जिसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड सेलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा सिग्नेचर जो वो भी अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सिग्नेचर कह रहा है 50 KB से कम, और यहाँ पे रेजुलेशन जो भी यहाँ पे कह रहा है वो आपको देना होगा। चलिए हम इस रेजुलेशन में सिग्नेचर को कन्वर्ट कर लेते हैं। जो भी साइज यहाँ पे मांग रहा था उस साइज में हमने सिग्नेचर को कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। उसका नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह यहाँ पे ऑटोमेटिक मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आधार कार्ड को अपलोड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो आधार कार्ड जो आपको पीडीएफ में सेलेक्ट करना है और जिसकी केवी 300 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ पे जो अपलोड करेंगे आधार कार्ड वो पीडीएफ में होना चाहिए, उनकी साइज जो है वो 300 KB से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आधार कार्ड हम सेलेक्ट कर चुके हैं पीडीएफ में और जिसकी साइज जो 300 KB से कम है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तक आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ। यहाँ पे क्यों नहीं सबमिट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था। चलिए हम फिर से पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट,
यहाँ पे पीडीएफ फाइल सेलेक्ट हो चुका है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आधार कार्ड के नाम से पीडीएफ है। पीडीएफ फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड बटन भी क्लिक करना है। मैंने पहले ये करना भूल गया था, तो पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट करने के बाद अपलोड बटन भी क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड बटन में क्लिक करेंगे, अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ जो आधार कार्ड के नाम से यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन दे रखा है, तो यानी कि ये या आधार कार्ड जो मेरा अपलोड हो चुका है। अब क्या करना है, सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देना है। जिसे सबमिट करेंगे, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कंफर्म डिटेल। अब यहाँ पे कंफर्म डिटेल के लिए बोला, यहाँ पे कह रहा है कि आधार कार्ड का शुरू का 8 अक्षर देना होगा। पहले हमने आधार कार्ड का अंतिम का 4 अक्षर दिया था, अब मुझे शुरू का 8 अक्षर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुरू का 8 अक्षर वो हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है, और अंतिम का 4 अक्षर हम पहले ही फिलअप कर चुके हैं। यहाँ पे आधार कार्ड का अंतिम शुरू का 8 अक्षर डाल चुके हैं। उसके बाद नाम वगैरह जो भी डिटेल हमने पीछे फिलअप किया, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे कंफर्म करने के चेक करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद जो भी डिटेल है, सभी डिटेल को आप चेक करेंगे, कोई गलती है तो आप यहाँ पे अभी करेक्शन कर सकते, सुधार कर सकते। अब फाइनल सबमिट करना होगा, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे पूरी डिटेल को चेक कर सकते। यहाँ भी देख सकते हैं आधार कार्ड अपलोड है। अब यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, डिटेल सही है तो प्रोसीड करेंगे, नहीं तो एडिट करेंगे। अब यहाँ पे मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप 2 नंबर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह नीचे आ जाएंगे यहाँ पे पेमेंट के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 106 रुपये 90 पैसे यानी आपको चार्ज पेमेंट करना होगा अभी। ठीक है, उसके लिए यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे जीएसटी के साथ आपको इतना पेमेंट करना होगा। पे कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। जैसे आप पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे कह रहा है कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम फिलहाल ये जो क्यूआर कोड हमें दिया गया है, इस क्यूआर कोड को हम स्कैन कर लेते हैं, और स्कैन करके पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पे स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद इसे हम पेमेंट भी कर देते हैं। हमने अपनी यूपीआई एप्लीकेशन की ओर से पेमेंट कर दिया। पेमेंट सक्सेस भी हो गया, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे। यहाँ पे कह रहा है कि योर रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसीड, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। अगर आपके पास पेमेंट के बाद कुछ किसी तरह का एरर आता है, जैसे कि मेरे केस में इस तरह का एरर आ चुका है, तो वो सिंपली करना क्या है, फिर से न्यू टैब में आपको लिखना है NHDL पैन कार्ड। NHDL पैन कार्ड लिखने के बाद आपको सर्च बटन भी क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से वही वेबसाइट आ जाएगी, और आपको यहाँ पे इस बार क्या करना है, रजिस्टर यूजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे टोकन नंबर डालेंगे, जो टोकन नंबर आप रजिस्ट्रेशन करते समय आपको मिला था, वो टोकन नंबर यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और इस कैप्चर को यहाँ पे एंटर करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह हमारा पेमेंट के बाद का जो प्रक्रिया है, अब हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका पेमेंट के बाद अगर किसी तरह एरर आता है, तब इस तरह का कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे वीडियो को एडिट करके इतना दूर का पार्ट हटाने की कोशिश नहीं किया, हमने पूरी आपको बताने की कोशिश किया हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गए, उसके बाद यहाँ पे टिक मार्का लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक मार्का लगाएंगे। टिक मार्का लगाने के बाद आपको यहाँ पे एथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। एथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह, उसके बाद आपको OTP एथेंटिकेशन करना होगा। ठीक है, उसके लिए इस OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे OTP वाले क्लिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है, उस पर OTP भेज दिया गया। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करेंगे। आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर, वही OTP डालेंगे। OTP की वैधता सिर्फ 10 मिनट रहती है, तो 10 मिनट के अंदर आप यहाँ पे OTP डाल देंगे। हमने यहाँ पे OTP इंटर कर चुका है, उसके बाद सबमिट बटन भी क्लिक करेंगे। OTP आपको रिसीव नहीं होता, आप रिसेंड करके OTP मंगवा सकते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पे OTP वेरीफाई हो चुका है, उसके बाद कंटिन्यू विथ ई साइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तक आ जाएगा, यहाँ पे आपको टिक मार का लगाना इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डालना, फुल आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, यहाँ पे 12 अक्षर का टोटल आधार नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे सेंड OTP क्लिक करेंगे, फिर से आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर OTP जगह, उस OTP को भी यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे OTP एंटर कर चुका है, उसके बाद वेरीफाई OTP भी क्लिक करेंगे। अब OTP वेरीफाई यहाँ पे हो चुका है, जो कि आप देख पा रहे हैं। OTP वेरीफाई होने के बाद ये रिडायरेक्ट होगी वेबसाइट। रिडायरेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे NHDL यानी कि पैन कार्ड का अप्लाई का रसीद जनरेट करके दे दिया जाता है, जो कि आप देख पा रहे अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे पैन कार्ड का रसीद जनरेट करके दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड में यहाँ पे जो कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका जो रसीद होगा, अप्लाई रसीद, वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगी।
तो आप देख सकते हैं मेरे केस में मेरा पैन कार्ड अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे रसीद भी हमें दे दिया गया है। तो हम यहाँ पे डाउनलोड आइकन भी क्लिक करके इस रसीद को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस प्रिंट के आइकन भी क्लिक करके हम इस रसीद को डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे 2022 में पैन कार्ड अप्लाई करने का पूरा प्रक्रिया आप इस वीडियोस की मदद से जान गए होंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम आपकी उस क्वेश्चन का जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के